हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश में सोमवार को होगा कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने को भी कहा। कमलनाथ ने बेंगलुरु से बागी विधायकों को लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने मंजूर किया कांग्रेस के 6 बागी विधायकों का इस्तीफा। कहा विधानसभा सदस्य रहने योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान कार्यवाही में मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए अपने विधायकों को व्हिप जारी किया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बेंगलुरु जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से दिल्ली रवाना हुए शिवराज सिंह चौहान। एमपी में बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद तेज की। नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव के साथ राज्यपाल से मिले शिवराज सिंह चौहान। 16 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले शक्ति परीक्षण की मांग। एमपी में सियासी संकट के बीच कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस के 22 विधायकों को बंधक बनाने की बात कहते हुए छुड़ाने को कहा। मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट पर बोले दिग्विजय सिंह, हम फ्लोर टेस्ट से नहीं डरते। शिवराज को बताया सत्ता का लोभी। जयपुर में मौजूद कांग्रेस के 74 विधायक आज सुबह 8:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। कुछ विधायक जयपुर के भुवन विस्टा तो कुछ ट्री हाउस रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। जयपुर के ट्री हाउस रिसोर्ट में ठहरे हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से अशोक गहलोत ने की मुलाकात। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हलफनामे से हुआ खुलासा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करीब 3 अरब की है कुल पैतृक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति करीब 3,60,00,000 रुपए की है। करीब 7.5 महीने बाद नजरबंदी से रिहा हुए फारूक अब्दुल्ला ने शुरू की राजनीतिक गतिविधि। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शनिवार को पीएम मोदी से की मुलाकात। सभी नजरबंद नेताओं को रिहा करने की गुजारिश की। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अंबेकर को आरएसएस का सह प्रचार प्रमुख बनाया गया। लखनऊ में सीएम योगी और कैबिनेट मंत्रियों के आपराधिक इतिहास वाले पोस्टर लगने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं पोस्टर। ब्रिटेन ने लंदन में मौजूद अंबेडकर हाउस को संग्रहालय में बदलने की दी इजाजत। ब्रिटेन के कम्युनिटी सेक्रेटरी रॉबर्ट जेनरिक ने दी इजाजत। पीएम मोदी की पहल पर कोरोना संकट से मुकाबले की साझा रणनीति बनाने के लिए आज शाम 5 बजे होगी सार्क देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात। भारत सरकार ने कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अब तक 2 लोगों की मौत, 10 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी। महाराष्ट्र सरकार का दावा, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हुई। सभी सरकारी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। महाराष्ट्र किराना दुकान और किराना से जुड़ी रिटेल चेन छोड़कर सभी माल 31 मार्च तक बंद रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया सर्कुलर। कोर्ट परिसर में सभी कैंटीन बंद रहेंगे, स्टाफ की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, बीमार होने पर छुट्टी लेने को कहा। कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रपति भवन में होने वाला पद्म पुरस्कार समारोह रद्द किया गया, 3 अप्रैल को होना था समारोह। इटली से हनीमून मनाकर लौटी आगरा की महिला को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। महिला का पति कोरोना से संक्रमित है, महिला ने विमान और ट्रेन में सफर किया है। ओडिशा के रायगढ़ में कोरोना वायरस के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, फेसबुक पोस्ट में गलत खबर लिखी थी। लखनऊ में 11 रुपए के ताबीज से कोरोना रोकने का दावा करने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार। वजीरगंज इलाके से पुलिस ने अहमद सिद्दीकी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे नोएडा में नकली सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। ड्रग्स विभाग ने 5,000 नकली सैनिटाइजर की बोतलें बरामद की। कोरोना वायरस को लेकर नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन हुआ सतर्क। नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पर सैनिटाइज अभियान चलाया गया, लोगों को भी जागरूक किया गया। दिल्ली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया। गोमूत्र पीने से कोरोना वायरस के खात्मे का भी दावा। यूपी के गोरखपुर में श्री विश्व विज्ञान विद्या आध्यात्मिक पीठ की ओर से कोरोना के इलाज का दावा करते हुए मुफ्त दवा बांटी गई। दवा लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। गोरखपुर में सैनिटाइजर और मास्क की कमी से लोग परेशान हैं। दुकानदारों ने दुकान के आगे लगाया नो मास्क नो सैनिटाइजर का बोर्ड। यूपी के शाहजहांपुर में कोरोना के कहर को दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में यज्ञ किया गया। कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क बांटे गए।
कोरोना के खिलाफ एहतियात के तौर पर केरल सरकार ने सभी ट्रेनों के केरल के पहले स्टेशन पर पहुंचने से पहले यात्रियों की जांच का आदेश दिया। जांच के लिए टीम गठित। विदेशियों के वीजा स्थगित होने की वजह से इंडिगो ने 17 मार्च से दुबई, शारजा और आबू धाबी के लिए फ्लाइट रद्द करने का ऐलान किया। पाबंदी हटने तक फ्लाइट रद्द रहेगी। कोरोना वायरस के बीच केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक। मल्लपुरम के परप्पनगड़ी में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद सरकार ने मुर्गियों की कलिंग के निर्देश दिए। चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक। यूपी के ललितपुर से बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा का कोरोना वायरस पर बयान। कहा, कोरोना से ज्यादा मौतें तो एक्सीडेंट से हो जाती हैं। यूपी के प्रयागराज में होटल कारोबारियों ने विदेशी पर्यटकों को रूम ना देने का फैसला किया। कोरोना वायरस के चलते किया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस की पत्नी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि। स्पेन की सरकार ने दी जानकारी। भारतीय सेना को मिली अमेरिकी 6 और 716 राइफल। 10,000 राइफल की पहली खेप भारत पहुंची। 2019 में अमेरिका से फास्ट ट्रैक समझौते के तहत हुआ था 72,400 राइफल का सौदा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड ने फिर दस्तक दी। शनिवार शाम को कई जगह तेज बारिश और ओले गिरे। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश और ओले गिरने से जबरदस्त नुकसान। फसलें तबाह हुई। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश के साथ खूब ओले गिरे। केदारनाथ में भी बर्फबारी का दौर जारी। कई फीट मोटी बर्फ की चादर जमी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन। चंद सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। पहाड़ के मलबे से रास्ता बंद हुआ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से घर तबाह। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। वाराणसी में बिन मौसम बरसात ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। कई इलाकों में पानी भरा। मौसम बदलने से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। दिल्ली में 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी। एम्स और सफदरजंग इलाके में जबरदस्त जलजमाव से मरीजों और राहगीरों को परेशानी। अचानक तेज हवा और बारिश से दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। लोधी रोड पर बारिश के साथ गिरे ओले। आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। बीसीसीआई के मुताबिक महीने के आखिर तक विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर फैसला होगा। कोरोना को लेकर यूपी के प्रभारी मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान बोले, आईपीएल समेत सभी चैंपियनशिप रद्द की जाए। कोरोना के खतरे को देखते हुए बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर खेले जाने वाले सभी क्रिकेट मैचों पर 31 मार्च तक रोक लगाई। पहले से चल रहे मैच पूरे होंगे। शनिवार को हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोबाइल पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला। 12% से 18% किया। कर बढ़ने से महंगे हो जाएंगे मोबाइल फोन। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे दोनों कंपनियों के बोर्ड से इस्तीफा दिया। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं बिल गेट्स। पाकिस्तान के जंग और जियो मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB ने गिरफ्तार किया है। 34 साल पहले अवैध रूप से सरकारी संपत्ति खरीदने के मामले में गिरफ्तारी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।